आयशा बिलाल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने आपको जहमत दी है, एक बड़ा अच्छा टॉपिक हम लेके चल रहे हैं जी। इसको मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आप स्पेसिफिकली ख़वातीन के हवाले से आप डिस्कस करेंगी, क्योंकि बाद में उलमा इकराम आएंगे तो फिर हम उसको जनरली इस टॉपिक को लेके चलेंगे। गुनाह के हवाले से हम आज बात कर रहे थे। सो एक तो आसान अल्फाज में अगर गुनाह की वजाहत की जाए तो वो क्या है? हर वो काम करना जो इताअत खुदावंदी के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल वो गुनाह कहलाता है। यानी जिस काम से अल्लाह ताला ने मना किया है आपको, आप वो काम करें, वो गुनाह होगा। यानी हर वो काम जिस चीज़ से अल्लाह ताला आपको रोकते हैं ना, उससे रोकना ज़रूरी है। अब इसमें जो है वो दो तरह की अकसाम हो जाती हैं, एक तो बड़े गुनाह हैं जिसको कुरान बयान करता है, और कुछ जो गुनाह हैं वो छोटे गुनाह कहलाते हैं, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। अच्छा, एक हदीस है यहाँ पर मैं सुनाना चाहूँगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु इब्न आदम खताउन व खैरुल खताइन तवाबून। हर शख्स जो है वो इब्न आदम गुनाहगार है, और बेहतरीन गुनाहगार वो है कि जो ख़ता करने के बाद अल्लाह से रुजू कर लेता है, उससे ताल्लुक़ इस्तवार करता है, अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जाता है, तौबा कर लेता है, रब की जानिब बढ़ जाता है और कहता है परवरदिगार मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये जो चीज़ है, क्योंकि इस जगह पर जहाँ पर आप तौबा करते हैं अल्लाह ताला से, तो वो जो गुनाह आपसे बड़ा भी गुनाह अगर सरजद हो गया है ना, और अल्लाह कहते हैं कि अगर कोई बड़ा गुनाह सरजद हुआ है और फौरन उस बंदे ने तौबा कर लिया, अल्लाह को वो तौबा बहुत पसंद है जिसको अल्लाह कुरान में खुद बयान करते हैं। अब गुनाह तौबा भी तौबा करनी है। हाँ, कबायर के लिए तो शर्त यही है कि अगर आपसे गुनाह कबीरा सरजद हो चुका है तो उसके लिए तौबा शर्त है, बगैर तौबा के माफी नहीं। फिर तौबा भी उसी तरह से करनी है ना? जी हाँ, उसके भी कुछ शरायत हैं कि मिसाल के तौर पर अगर खालिसतन वो गुनाह है कि अगर वो सूद खा रहा है और हाँ, उसके बाद वो तौबा करता है, सूद अगर उसने खा लिया और तौबा करता है हाँ, तो अब कोशिश करे कि खाना छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो चूंकि हदीस में भी यही मिलता है कि सहाबा किराम को जब ये आयत नाजिल हुई सूद के मुतालिक, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो पिछला था वो तो माफ़ हो चुका है, लेकिन अब इस चीज़ से बचना। अब ये नहीं कि हम कहें कि हाँ ठीक है अभी मैं छोड़ देता हूँ, फिर से जहन में हो कि हाँ कहीं ना कहीं, तो ये वाली जो तौबा है ना, तौबा के लिए एडजस्टमेंट नहीं कर सकते आप अल्लाह मियां के साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला तो सब चीज़ें देख रहे हैं ना, लो। हर चीज़ पता है, आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, कुछ इरादा करते हैं, सब जानते हैं अल्लाह ताला, तो उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा। तो बेहतर यही, अच्छा कुछ गुनाह ऐसे हैं आप तौबा ना भी करें तब भी माफ़ हो जाते हैं, अब वो कौन से गुनाह? यह हदीस है कि एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान, एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियान अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन इब्तदा में एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि वो बंदा उस गुनाहों से अब बचने की कोशिश करता रहे, गुनाह से बचता रहे। अब अगर ये बचता रहता है तो बीच में छोटे मोटे गुनाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान में, लमम जिसको कहते हैं हम, कि कुछ छोटे गुनाह हो जाते हैं हमसे। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कहीं कुछ देखा फेसबुक पर, इंस्टा पर कुछ देखा और मैंने कमेंट करना चाहा बुरा सा, अब ये जो मैं कमेंट कर रही हूँ ना, तो मुझे मालूम है ये मैं दानिस्ता कर रही हूँ, इस पर तो मेरी पकड़ है और बग़ैर तौबा के माफ़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं बात कर रही थी आपसे, कोई बात पे बात निकली, हाँ यार उसने ऐसा किया था, ये जो है ना अचानक से जो आपके ज़ुबान से निकल गया और आप कहेंगे ये क्या कर दिया मैंने, ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, इस ये वाले गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो आप कह देना कि मतलब अपने आप को जब रोक लिया, जब सबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे से गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बताओ तुम्हारे घर के बाहर अगर नहर हो और तुम पांच टाइम उसमें तुम वजू करो या गुस्ल करो, तो तुम क्या तुम्हारा ख्याल है, तुम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाओगे? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ऐसी बात है, सामने नहर है, पांच मरतबा गुस्ल कर रहे हैं, उसके बाद तो यही है ना कि हम बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पाँच वक्त वज़ू करना ऐसा ही है कि तुम्हारे हर गुनाह को धो देता है। यानी एक नमाज के लिए आपने वज़ू किया था, गुनाह जड़ गए, अब जो बीच में छोटे छोटे से भी गुनाह करते हैं ना, अल्लाह तो बड़े मेहरबान हैं। बेशक बाज़ औक़ात माँ बाप भी कहते हैं चलो कोई नहीं कर दिया तो क्या हुआ, अल्लाह ने लमम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, छोटे गुनाह आपके जितने भी करते हैं ना वो माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, मोमिन के लिए, चूँकि मोमिन एक शख्स है, तो हुजूर कहते हैं मुस्लिम की रिवायत है कि अगर कोई मोमिन शख्स है और गुनाह कर लेता है, छोटा गुनाह कर लेता, बड़ा गुनाह कर लेता, उसके लिए ऐसा हो जाता है पहाड़,
ये क्या कर दिया मैंने, सोचता रहता है ये नहीं करना चाहिए था मुझे। अब ये जो पहाड़ है ना, इस पर अल्लाह मेहरबानी करते हैं, इतनी इनायात फरमाते हैं कि बख्श देते हैं बंदे को। एक ना अर्शा जी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मैंने भी कहीं पढ़ा और मैं उसके बारे में बड़ी देर सोचता रहा कि देखें कुछ छोटी छोटी गलतियाँ, कुछ छोटे छोटे छोटी गलतियाँ कहूँगा मैं, इंसान से सरजद होती हो जाती हैं। या कई दफ़ा आप करने का सोचते हैं कि यार कुछ ज़रा चलो फ़न के लिए इस तरह से करते हैं, किसी को छेड़ते हैं या कुछ इस तरह कर लेते हैं या कुछ हल्ला गुल्ला कर लेते हैं फ़न के लिए, फॉर द सेक ऑफ फ़न। आप जब इस तरह की कोई चीज़ कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके दिल में अगर ये चीज़ आ रही है कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो तब तक समझें कि आपका दिल काला नहीं हुआ। और जब आप सब कर रहे हैं और आपको डर खौफ ही नहीं आ रहा कोई, जैसे रिश्वत ले रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं बेधड़क, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि रिश्वत लेना कितना बड़ा गुनाह है, ये गुनाह है कबीरा, तो बगैर तौबा के तो माफ़ी नहीं है ना, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुनाह लोग कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं और उनके दिल में खौफ ही नहीं है। वो खौफ ना होने की जो एक बुनियादी वजह ना, अक्सर हम एक दुआ करते हैं अल्लाह हमारे दिल को बदल दीजिए, बिल्कुल हमारा दिल बदलना है, बिल्कुल। और जुनैद जमशेद ने बड़ा खूबसूरत कलाम भी पढ़ा था इस पर कि मेरा दिल बदलना है ना, तो ये जो दिल है ना, ये दिल दरअसल आप गुनाह जहाँ करते हैं ना, एक अल्लाह ताला के हुक्म से एक दाग, एक नुक्ता डाल दिया जाता है कल्ब पर। वो एक नुक्ता जो है ना, वो मिट सकता था अगर आप तौबा कर लेते। अब दूसरा आपने दूसरे कोई गुनाह किया, वो बढ़ता 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 यहाँ तक हो जाता है कि आपका दिल जो होता है ना वो काला हो जाता है। हाँ। और वो दिल पत्थर हो जाता है। अब आप गुनाह कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता नहीं है कि आप गुनाह गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। यही वजह है कि आप देखें हमारे माशरती जो बुराइयाँ हैं बहुत सारी, कुछ अहादीस में जो बड़े गुनाह हैं जिनकी निशानदेही की गई है, उसमें वालदैन की नाफरमानी है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेना है, और ये हमारे माशरे में आम है। गुनाह के असरात क्या होते हैं ज़िंदगी पर? शदीद तरीन, ऐसा कि नेमत छिन जाती है इंसान से। मिसाल के तौर पर किसी को अल्लाह ने इज्जत दे दिया, अकड़ता है उस पर, फ़ख्र करता है, तकब्बुर करता है, हो क्या तुम भाई, मैं हूँ सब कुछ, अल्लाह छीन लेते हैं, इज्जत छीन ली जाती है। इसी तरह से आप देखें बनी इसराइल की कौम है, अल्लाह ने नेमतें इतनी दी हैं कि मनोसलवा दे दिया उनको, इतनी इनायात के बादल साया करता है, नाखून नहीं बढ़ते हैं, लिबास मैला नहीं होता है, बनी इसराइल को इतनी इनायात की थी, लेकिन क्या हुआ, गुनाहों के सब कुछ अल्लाह ताला ने छीन लिया उनसे। इसी तरह से अगर माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं तो कामयाबियाँ हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उसने सलूक किया, वो उन्होंने कामयाबियों की मंजिलों को तय किया, जिन्होंने बुरा सलूक किया तो बहुत रुसवाई का सामना करना पड़ता है। सही बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।